Myself Sonam Verma. Today we will discuss about phylum Ascelminthes. आज हम क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर 4 का एक फाइलम डिस्कस करेंगे. इसका नाम है Ascelminthes. ठीक है, आपको इसका प्रोनाउंसिएशन करना आना चाहिए, Ascelminthes. ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज मैंने लिखी हैं, कुछ फीचर्स मैंने मेंशन किए हैं जो ये शो करते हैं कि जो फाइलम Ascelminthes है उनके ग्रुप्स के मेंबर्स में किस तरह के फीचर्स पाए जाते हैं. ठीक है, तो ये सारे फीचर्स हैं जिनको हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. सबसे पहले सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन. जब फाइलम Ascelminthes के मेंबर्स का क्रॉस सेक्शन किया जाता है तो क्या होता है, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बनता है, गोल स्ट्रक्चर बनता है. इसी स्ट्रक्चर के बेस पे हम इनको राउंड वॉर्म के नाम से भी जानते हैं. जनरली हम इनको राउंड वॉर्म ही बोलते हैं. क्यों? क्योंकि जब हम इसका क्रॉस सेक्शन करते हैं तो हमको एक राउंड राउंड स्ट्रक्चर मिलता है, इसलिए हम इसको राउंड वॉर्म बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट एज अ पैरासाइट. ये ह्यूमन और प्लांट के साथ एज अ पैरासाइट रहते हैं. मीन्स ये ह्यूमन या प्लांट जिसके साथ भी है एज अ पैरासाइट रह रहे हैं, ये उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. ठीक है, इसको बोलते हैं पैरासाइट प्रॉपर्टी. नेक्स्ट बायोलॉजिकल सिमेट्रिकल. बायोलॉजिकल सिमेट्री शो करते हैं, मीन्स इनके सेंटर से अगर कोई लैंड पास की जाए तो ये इनको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है. लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट के आइडेंटिकल होगा, दोनों पार्ट एक जैसे होंगे. ओके, इसके अलावा इनमें कुछ मरीन भी होते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं. ठीक है, जो यहाँ पे पाए जाते हैं, कुछ मरीन वाटर में मिलते हैं, कुछ हमको टेरेस्ट्रियल में भी देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट डिप्लोब्लास्टिक. डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मीन्स इसमें तीनों लेयर प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म एंडोडर्म एंड मीजोडर्म. ये तीनों लेयर इनमें प्रेजेंट होती है, इसलिए इनको डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं. स्यूडो कोइलोमेट होते हैं, मीन्स इनमें बॉडी कैविटी तो पाई जाती है पर वो पाउचेस के फॉर्म में होती है, अलग अलग गुच्छों के फॉर्म में होती है, इसलिए इनको स्यूडो कोइलोमेट बोला जाता है. नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे सेल्स मिलकर टिश्यू बना रहे हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन, और ऑर्गन मिलकर बना रहा है ऑर्गन सिस्टम. ये जो ऑर्गन सिस्टम है, यहाँ पे जितने भी ऑर्गन्स हैं सब अपना अपना पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए इसको बोला जाता है ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो Ascelminthes ग्रुप के जो मेंबर हैं, Ascelminthes फाइलम के जो मेंबर हैं, वो इस तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं. नेक्स्ट कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल विथ मस्कुलर फेरिंग्स. कंप्लीट एनिमल एलिमेंट्री कैनाल होती है, मींस फूड दिया जाता है, डाइजेशन होता है और फिर एक्सक्रीट कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल. कंप्लीटली एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, उसमें मस्कुलर फेरिंग्स भी होता है. ठीक है, इसको बोलते हैं कंप्लीटली एलिमेंट्री कैनाल. नेक्स्ट डायोसियस. डायोसियस का मतलब होता है कि मेल और फीमेल सेक्स सेपरेट होते हैं, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होती है. जो फीमेल होती है वो मेल से साइज में थोड़ी सी बड़ी होती है. ठीक है, तो मेल और फीमेल सेक्स सेपरेट होते हैं. फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, जो मेल के अंदर होता है. ठीक है, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से डेवलपमेंट हो सकता है फर्टिलाइजेशन के बाद. नेक्स्ट एग्जाम्पल है एस्केलिस. एस्केलिस इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है. ठीक है, अब एस्केलिस के डायग्राम की बात कर लेते हैं. यहाँ पर ये एस्केलिस का डायग्राम है, ये मेल एस्केलिस है, ये फीमेल एस्केलिस है. आपको यह डायग्राम में दिख रहा होगा जो मेल एस्केलिस है वो छोटा है, जो फीमेल एस्केलिस है वो बड़ा है कंपेरिजन ऑफ मेल एस्केलिस. ठीक है, तो ये थी कुछ प्रॉपर्टी जो फाइलम Ascelminthes के मेंबर शो करते हैं. आई होप आप इस सारी प्रॉपर्टी के बेस पर फाइलम Ascelminthes को स्टडी कर सकते हैं. थैंक यू.